नमस्कार। लियो लियो यानी सिंह राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है, या अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से वो अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग्स उनके लिए है। और जनरल होने के कारण ये आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लियो के जो आपके पर्सन हैं जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द लवर्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आप इस रिश्ते में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी लगाव है, अट्रैक्शन है, लेकिन जो एडिक्शन है, जो लस्ट है, वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि वो इधर उधर की बातें ना बनाएं या फिर इधर उधर समय वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि इस रिश्ते में आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और डिसीजन लें इस रिश्ते में, क्योंकि भले ही इस रिश्ते में कोई भी गलत नहीं है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, किसी का जो मजाक करने का तरीका होता है, जो सामने वाला अगर कोई तीसरा पर्सन होता है तो उससे बहुत मिलजुल कर, खुल मिलकर वो बातें करते हैं, और उनके पार्टनर को महसूस होता है तो कि वो कुछ गलत है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी रिश्ते में परेशानी आती हैं, बाधाएं दुविधाएं आती हैं। तो वो चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर इन चीज़ों को क्लियर करें, समय को वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करते हुए वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में फिर से उस लस्ट को, उस एडिक्शन को उनको ख़त्म करें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, और वो इतने हार्श ना हो, हार्ड ना हो, वो सख्त ना हो, वो इस रिश्ते में फिर से ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं उनको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर वो इस रिश्ते को भारी भरकम नहीं बनाते, इस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं आमने सामने बैठकर, और ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बिगनिंग करनी ही है, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं, तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, या फिर वो खुद ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो आपसे मिलकर इस एडिक्शन को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो समय रहते इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं कि दोबारा से इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाए, और वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, एक गुड न्यूज़ लेकर आना चाह रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि उन्हें अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़ लेकर जानी चाहिए, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द मून, द हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। जी, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस जो अननोन फियर हैं, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ तो ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, ख़राब कर रही है। तो वो चाहते हैं कि बजाय कि इस एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि
वो तीसरे पर्सन की बात सुनने के बजाय कि इस अननोन फियर में डरने के, इस अननोन फियर से वो बाहर निकले और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाए, चीज़ों को नेगेटिव ना सोचे, भारी भरकम ना बनाए। वो ये ना सोचें कि इस रिश्ते में बाधाएं आ रही हैं, पनौतियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों से उभरें, सत्संग कीर्तन में जाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, समय को समय दें। और अगर हो सके तो जो पूर्णिमा की रोशनी है, क्योंकि उससे वो हीलिंग बहुत गजब की होती है, तो पूर्णिमा की रात को सूरज उसकी जो है, जो चांद की रोशनी है, उसमें बैठें, हीलिंग करें, उसमें एक गजब की हीलिंग होती है। अगर उसमें बैठेंगे, एक यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, थोड़ा सा उनका नाम लेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी हीलिंग होगी आपके लिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर सचमुच वो इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। वो उन्हें इस रिश्ते में खुद ही आना पड़ेगा अपने पैरों पर चलकर, वो दूसरों का इस रिश्ते में सहारा ना लें, आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जब वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी, वो उनको रास्ता दिखाएगी कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को पहचानें और थोड़ा सा समय वक्त लें इन चीज़ों को पहचानने में। और उनके साथ वो चाहते हैं कि एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच, उनके साथ एक छोटा सा, छोटी सी पार्टी रखी जाए, एक सेलिब्रेशन किया जाए, ताकि एक फैमिली, एक परिवार की तरह गेट टुगेदर हो और ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो, चीयरफुल हो, हैप्पी हैप्पीनेस आए इस रिश्ते में, खुशियाँ आए। तो वो इस अननोन फियर से बाहर चाहते हैं कि आप निकलें, या दोनों तरफ से ही निकलना चाहते हैं, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को खुशहाल बनाया जाए। तो देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वो, क्या वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते में। जो लियो के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो आपके पर्सन हैं, वो जो महसूस कर रहे थे कि ये काफ़ी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी आई है, उनके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से वो काफ़ी दुख में है, तकलीफ में है, उन्होंने उन्हें दुख किया है, हर्ट किया है, वो रातों की नींद हराम कर चुके थे, तो उस चीज़ से वो उभरना चाहते हैं, इसका हल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो यही एक्शन ले रहे हैं कि इन बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, वो इस चीज़ का हल निकालते दिखाई दे रहे हैं, इसका हल ढूंढना चाह रहे हैं, और रुककर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। वो यही एक्शन ले रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और वो महसूस कर रहे हैं कि इस ये रिश्ता चाहे भले ही कितने ही नेगेटिव फेज से होकर गुजरा हो, कितनी ही प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही हो, तो वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक शुरुआत इसमें करना चाह रहे हैं, एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वो इसमें यही एक्शन ले रहे हैं कि एक शुरू से शुरू किया जाए इसको, एक दोस्ती के लेवल से। वो इन चीज़ों को भूल जाएं कि उनके साथ पहले भी कोई रिश्ता था, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन प्यार से, प्रेम से, एक दोस्ती के लेवल से, एक शुरू से शुरू इस रिश्ते को करना चाह रहे हैं वो। और वो चाहते हैं कि अगर उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से उनके साथ पेश आएंगे और शुरू से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई बुलंदियों के साथ, ये सोचते हुए कि ये रिश्ता एक नया रिश्ता है। तो इस उम्मीद के साथ अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो ये रिश्ता फिर से, भले ही बिगनिंग छोटी होगी, ये जो एनर्जी है वो इमैच्योर भी हो सकती है और एज डिफरेंस भी हो सकता है, कोई एक जना या तो लिब्रा या तो लियो या तो उनके पर्सन कोई एक एज में छोटा या बड़ा हो सकता है। तो लेकिन धीरे धीरे करके एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस तारे, धीरे धीरे करके
ये रिश्ता एक होगा, खुशहाली की तरफ होगा। आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसको इसमें करनी है, तो आप एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके, समय के साथ वक्त के साथ आप फिर से एक हो सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, मैसेज क्या है आपके लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें। जिगजैग जो कर रहे हैं, जो कभी अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, दोनों तरफा बात सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जाएं या ना जाएं, क्या फिर से कभी ये रिश्ता टॉक्सिक ना बन जाए, फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जगल ना करें, जो आप समय रहते इसमें एक डिसीजन लें। जो भी डिसीजन लेंगे वो ठीक होगा। और यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, एडिक्शन रही है, एक दूसरा महसूस कर रहा था कि उन्होंने उनको धोखा दिया है, तो अभी इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलिए। जो ये रिश्ता भारी भरकम बनाया हुआ है और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल तभी निकल सकते हैं आप, जब थोड़ा सा जो आपका दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, उसमें आप शांत रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे और समय को समय वक्त देंगे। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इस एडिक्शन को ख़त्म कीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर आइए। और अभी आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करनी है, यूनिवर्स में आस्था लगानी है। अभी आपको समय की ज़रूरत है क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरे हैं। तो तभी आप बिगनिंग करने के बारे में सोचिएगा, जब आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएं, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, जो रिश्ते को भारी पर कंपोजिल बना रही है, जो एक दूसरे पर बिली भरोसा नहीं किया जा रहा है, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए। जब आपको लगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं तो तभी बिगनिंग शुरुआत करने की सोचिएगा। अभी समय आपके लिए ठीक नहीं है, अभी कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, मन शांत नहीं होगा, हर्टेड रहेंगे, प्रॉब्लम आती रहेंगी और चीज़ें परेशान करती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।